गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आज हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी अनब्रोकन लुइस जैम्बरीनी की ये सच्ची कहानी है ये एक बायोपिक है ये एक रियल स्टोरी है इस स्टोरी पे आपको पता चलेगा कि जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल ये मूवी है कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है अब हम और फेस नहीं कर सकते लेकिन अगर आप डट कर उस परिस्थितियों का सामना करते हैं तो यकीन मानिए आगे सब कुछ अच्छा होना है यही इस मूवी से हमें सीखने मिलता है सो लेट्स स्टार्ट ये मूवी स्टार्ट होती है लुई जैम्ब्रेनी की सो लुई जैम्बरी का बचपन हमें दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उनके फादर उनसे बहुत डिससेटिस्फाइड होते थे क्योंकि लुई एक ऐसा पर्सन था जिनमें सारी बैड हैबिट्स थे जिसके कारण से उनको बहुत सारी डांट भी पड़ती है लेकिन लुई जैम्बरीनी की लाइफ में उनके जो बड़े भाई हैं जैसा आप सामने देख सकते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनको लुई पे विश्वास था वो उनको बोलते हैं कि तुम कुछ करते क्यों नहीं तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए लुई अपने बड़े भाई को कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए तो ठीक है लेकिन मैं मैं ये सब करने के लिए नहीं बनाऊँ तभी एक दिन लुई के ভাই লোই খুব ভাগতে হুয়ে দেখতে उस वक्त वो उनसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छे दौड़ते हो और तुम एक हंड्रेड परसेंट एक बहुत ही बेहतरीन रनर बन सकते हो लुई बोलते हैं कि मैं नहीं बन सकता उनके भाई बोलते हैं तुम झेल सकते हो तो तुम खेल सकते हो अगर तुम में अब शक्ति है पावर है तो चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और उनके ऐसा कहने पर मोटिवेट करने पर लुई को भी विश्वास हो जाता है और वो उनके साथ में तैयार हो जाते हैं अब वो यहाँ रनिंग की खूब प्रैक्टिस करते हैं हम देखते हैं कि वो गेम पर भी पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम पर उनकी रनिंग स्पीड हम देखते हैं कि वो फोर मिनट्स में वन माइल रन करते हैं जो आज तक इससे पहले किसी ने नहीं किया होता है और हम उनके भाई को साथ में यहाँ पे मोटिवेट करते हुए देखते हैं उनके भाई ने एक लाइन उनको यहाँ पे बताई होती है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है इसका मतलब अगर आप दर्द में एक पल भी बिता सकते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं ये इस मूवी की बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन है और इस डायलॉग को आप याद रखिएगा कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है अब हम देखते हैं कि जो रेस होती है ये ओलंपिक की तैयारी होती रहती है और उसमें लोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सो उनके बड़े भाई उनको अप्रिशिएट करते हैं वह यहाँ दोनों भाइयों की बात होती है वो कहते हैं कि उन्नीस का अगला ओलंपिक तो मैं ज़रूर जीत जाऊँगा जो कि टोक्यो में है अब हम यहाँ देखते हैं कि लोई चले जाते हैं ट्रेन से वो ट्रैवल करते हैं अब इसी बीच ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है अमेरिका और जापान के बीच इन दिनों वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और इसके कारण से जो लुई का प्लान होता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट का कहीं ना कहीं ये प्लान उनको ड्रॉप करना पड़ता है और लुई अब का आर्मी में भी भरपिनती हो गए हैं और वो एज अ बम्बारणी काम करते हैं बम्बारणनी वो होते हैं जो कि रेस्क्यू का काम करते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बार लोई की प्लेन जो होती है वो क्रैश हो जाती है आर्मी की प्लेन सो लुई और अपने सारे साथियों के साथ में लोई को एक जगह पे एक फॉरेस्ट पे उतरना पड़ता है उस जगह पे हम देखते हैं कि लोही फिर से रनिंग की प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यूसली रखते हैं वो यहाँ पे ये सोचते हैं लोगों को बताते हैं अपने कंटिन्यूसली रनिंग के बारे में तभी इनके पास एक न्यूज़ आती है वो न्यूज़ ये होती है कि कुछ लोग मिलिट्री के कुछ लोग अभी भी समुंदर में फंसे हुए हैं जिनको इन्हें बचाने के लिए जाना है रेस्क्यू के लिए जाना है तो लुई के साथ में कुछ लोगों की टीम बताई जाती है जिनसे वो प्लेन क्रैश में जिनको बचाने के लिए इनको जाना होगा वो डिसाइड करते हैं लुई भी डिसाइड करते हैं कि उनके साथ में वो उन लोगों को बचाने के लिए अब यहाँ पे कुछ टीम होती है आर्मी की जो डिसाइड करती है कि ये सब मिलकर लुई और वो सब मिलकर उनको बचाने के लिए समुद्र में जाएंगे अब जब यहाँ पे वो लोग समुद्र में उनको बचाने के लिए जाते हैं तभी हम देखते हैं कि उनका जो प्लेन होता है वो प्लेन ख़राब हो जाता है जिसके कारण उनको समुद्र में ही लैंडिंग करनी पड़ती है अब जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं मर जाते हैं केवल तीन ही लोग रहते हैं जो इनके एयरबोट रहती है और लुई के साथ पे उनके दो साथी होते हैं मैक और एक और फ्रेंड सो वो तीनों ही बच पाते हैं यहाँ हम देखते हैं कि उनके पास कुछ खाने की बिस्किट्स होती है कुछ ही बॉटल्स पानी रहता है लुई यहाँ पे सभी को बोलते हैं कि हमें इसे धीरे धीरे करके खाना होगा क्योंकि समुद्र में रास्ता अब इन ये समुद्र के बीच में है फंस गए हैं इनको पता ही नहीं है कि आसपास पास कहाँ इनको लैंड मिलेगी कहाँ जमीन मिलेगी इस बीच उनको एक प्लेन भी दिखती है उस प्लेन को ये सिग्नल भी देते हैं लेकिन हवाई फायरिंग करने के बाद भी वो प्लेन इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती क्योंकि ये समुद्र के बीच में है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनको अब फंसे हुए बहुत टाइम हो गए हैं एक दिन हम देखते हैं कि जो इनके साथ में मैक होते हैं हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी रात में सारे बिस्किट्स के जो पैकेट्स होते हैं उसे खा कर खत्म कर दिए होते हैं जिसे देख कर लोई बहुत ही फ्रस्टेड हो जाते हैं वो बोलते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना था हमें सब मिल के ही साथ चलेंगे तभी ऐसा होगा अब कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे समुद्र में फंसे हुए थर्टी डेज़ भी हो गए हैं इनकी बोट पे हम देखते हैं इन्होंने कुछ नहीं खाया तभी एक पक्षी आकर बैठता है और ये पक्षी इनके लिए रहता है खाना सो ये डिसाइड करते हैं कि उस पक्षी को ये खाएंगे, और ये करते भी ऐसा है उस पक्षी को खाने के लिए वो कर खाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि वो इनके लिए सही नहीं होता है तभी ये डिसाइड करते हैं इनको एक और आइडिया आता है कि ये फिश तो खा सकते हैं अब ये फ़िशिंग करना शुरू कर देते हैं बोट पे समुद्र पे और ये फिशिंग करके ही जो फिश रहती है उसको बेसिकली ईट करना शुरू कर देते हैं एक रात हम देखते हैं कि बहुत ही भयंकर तूफान आता है समुद्र में इनकी बोट डूबने वाली होती है इस पर लुई गॉड को प्रॉमिस करते हैं वो ईश्वर को याद करते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं बच गया तो अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में लगा दूँगा और होता भी ऐसे ही है लुई इस जगह पे हम देखते हैं कि फाइनली बच जाते हैं और किस्मत भी इनका साथ देती है कि उस दिन बारिश भी होती है बारिश होने के कारण इनके पास में अब पीने को पानी भी है जिससे कि ये बहुत खुश हो जाते हैं तभी हम देखते हैं कि इनको एक और प्लेन दिखती है जो जापानीज की होती है हालांकि ये जापानीज़ और अमेरिका व इनमीज़ है लेकिन वहाँ पे उल्टा ये जापानीज़ की जो प्लेन होती है वो इनके ऊपर फायरिंग करती है जिससे इनकी बोट एक बोट भी इनकी डैमेज हो जाती है अब यहाँ पे ये डैम बोर्ड को बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाते अब इनको यहाँ पे समुद्र में फंसे हुए फोर्टी सेवन डेज हो गए सैंतालीस दिन तक इन्होंने कुछ पानी भी बहुत कम पिया है और सिर्फ फिश ही खाई हुई है तो इस तरह से ये समुद्र में फंसे हुए हैं सैंतालीस दिन से इनको हेलोसिनेशन भी होना शुरू हो जाता है ये अपने घरों की बात करते हैं कि हम अगर यहाँ पर मर जाते हैं तो क्या करते हैं इस तरह से और इनमें से एक आदमी तो वहाँ डैथ कर जाता है मैक जो रहता है सो हम देखते हैं अब दो ही लोग बचे हुए हैं तभी हम देखते हैं कि जैपनीज़ जो आर्मी होती है वो लुई को देख लेती है और उनके फ्रेंड को वो उनको ले जाते हैं अपने कैंप पर उस कैंप पे हम देखते हैं कि जो वहाँ का इंचार्ज रहता है कॉटलर वटनामी कहीं ना कहीं वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो ओलंपिक में क्योंकि लुई को सभी जानते थे वो ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट किए थे वहाँ पे इनको सभी को एक जगह पे बुलाया जाता है और जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं क्वार्टल बटनामी वो उनको देखकर बड़ा ही अजीब सा वो उनको बोलते हैं कि मेरी आँखों में देखो लुई उनकी आँखों में देखते हैं वो देखते हैं कि लुई को कुछ भी डर नहीं होता वो लुई को बहुत ही ज़्यादा पंच मारते हैं एक बार फिर से वो बोलते हैं कि तुम मेरी आँखों में देखो लुई अगेन उनकी आँखों में देखते हैं और फिर से वो उनको पंच मारते हैं अब यहाँ ऐसा हमें पता चलता है कि कॉटलर वटनामी को लुई के साथ में कोई पर्सनली बेसिकली दुश्मनी जैसी रहती है वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं बहुत ही ज़्यादा लेकिन लुई इन सारी चीज़ों को झेल जाते हैं क्योंकि उनको उनके भाई की बात याद थी कि जो खेल झेल जा सकता है वही जी सकता है अब यहाँ पर हम कैम्प के अंदर देखते हैं कि लुई को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और इनमें से एक दिन एक लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम हमें एक रनर और कुक की ज़रूरत है यहाँ लुई को और एक और पर्सन को वो पिक कर लेते हैं यहाँ और हम देखते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लुई अपना हैंड भी रेस करते हैं कि मैं ही वो रनर हूँ और यहाँ हम देखते हैं कि कॉटलर फटनामी एक बार फिर से उनको यहाँ बुलाते हैं और यहाँ बुला के अगेन वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं फिर से उनके ऊपर वो लोगों से बोलते हैं कि सब तुम सबको इनको पंच मार रहे हैं अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूँगा लुई यहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि हाँ वो पंच मारे और इस तरह से बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद लुई की कंडीशन ये भी नहीं होती कि वो उठ सके तभी हम देखते हैं कि लुई अपने फ्रेंड के साथ में बात करते रहते हैं कि ये सारी चीज़ों के कारण में जो जनरल पर्सन होते हैं सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है एक दिन लुई को जो जैपनीज होते हैं वो बुलाते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे बशर्ते तुम रेडियो पे अमेरिका के ख़िलाफ़ तुम्हें बोलना होगा लुई ऐसा करने से मना कर देते हैं वो कहते हैं कि मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है मैं अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता वहाँ कुछ लोग उनको बोलते भी हैं कि तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे लेकिन लुई अपने देश के लिए कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं वो बोलते हैं मैं मर जाऊँगा लेकिन देश के साथ अपनी गद्दारी नहीं करूँगा अब हम देखते हैं कि कॉटलर वटनामी एक बार फिर से लुई के सामने आते हैं और यहाँ पर कॉटलर वटनामी एक बार फिर से यहाँ हम कॉटलर वटनामी की कन्वर्सेशन देखते हैं लुई के साथ में वो लुई को आकर बोलते हैं कि मैं तुमसे इतनी नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम भी मेरी तरफ़ बहादुर हो तुम्हारी आँखों में मैंने फियरलेस देखा है और फिर से एक बार वो यहाँ पे लुई को बहुत टॉर्चर करते हैं वो उनको ये कहते हैं कि आई हेट अमेरिकीज और सारे अमेरिकन को यहाँ पे लुई को बहुत मारते हैं बहुत पीटते हैं और साथ ही साथ वो लुई को एक यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा भी देते हैं और उस लकड़ी के टुकड़े को लुई को उठाने के लिए कहते हैं वो कहते हैं अगर तुमने लकड़ी के टुकड़े को अपने सर से नीचे किया तो तुम मर जाओगे और ये इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है इस पल पे लुई को उनके भाई की कही हुई बात याद आती है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है और वो उस लकड़ी के टुकड़े को अपने सर के ऊपर उठा लेते हैं और एक कंटिन्यूसली वो कॉटलर वटनामी को घूरना देखना शुरू करते हैं कॉटलर बटनामी उनको बोलते हैं कि ऐसे मेरे को मत देखो कंटिन्यूअसली मत देखो लेकिन लुई कंटिन्यूअसली उनको देखते रहते हैं अब यहाँ हमें पता चलता है कि लुई की आंखों से सभी लोग लुई को देखते होते हैं और लुई की आंखों में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है उस दिन लुई को इस चीज़ के लिए हालांकि कॉटलर वटनामी ने बहुत ज़्यादा किल किया बहुत ज़्यादा मारा भी होता है और इस तरह से जैसा आप सामने देख सकते हैं ये इस पूरी मूवी का बेस्ट सीन है और यही मेन सीन भी है कॉटलर वटनामी को बहुत इरिटेशन होती है अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉटलर वटनामी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अगेन बहुत ज़्यादा लुई को पीटते हैं बहुत ज़्यादा मारते हैं अब अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अमेरिका और जापान के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है और हम लुई को देखते हैं कि लुई की कंडीशन अभी भी क्योंकि कॉटलर वटनामी के टॉर्चर को वो सहते जा रहे हैं बट उनकी कंडीशन हम देखते हैं कि वो अब उनके अंदर से डर कहीं भी नहीं रहा है और डर से वो मुक्त हो गया है वो बिल्कुल भी कॉटलर वटनामी या किसी से भी नहीं डरते हैं जितना उनको टॉर्चर किया जाता है वो सहते हैं एक रात अब उनको पता चलता है कि अब इन अमेरिका और जापान ने सुलह कर ली है इनको बताया जाता है कि ये लोग जा के नहा सकते हैं और नहाने के बाद इनको फ्री कर दिया जाएगा इनको लगता है कहीं इनको मार ना दिया जाए सब के अंदर क्योंकि ये सब गुलामी में रहते हुए बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं लेकिन सच में उस दिन नहाने के बाद में इनको फ्री कर दिया जाता है अमेरिका के लोग आते हैं और जहाँ इनको भेज दिया जाता है अब लुई की जिंदगी में लुई जब सबसे पहले ये सब आज़ादी अब ये सभी लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज़ादी इन सब के अंदर एक उत्साह का माहौल है ये बहुत सारा खाना इनको मिलता है अमेरिका सेना से ये पहले सबसे पहले पेट भर के खाते हैं क्योंकि बहुत दिन बाद इनको पेट भर के खाने मिला है लुई को हम यहाँ पर देखते हैं कि लुई एक बार कॉटलर वटनामी के पास जाते हैं सुलह करने के लिए इतना सहने के बाद भी वो उनसे संधि करना चाहते हैं लेकिन वहाँ कॉटलर वटनामी नहीं होते उनकी फोटो हम देखते हैं कि उनके डैड के साथ में उनकी फ़ोटो होती है कॉटलर वटनामी को कहीं ना कहीं हम यहाँ देख पाते हैं कि लुई से एक कहीं ना बैर था अब लुई जब सबसे पहले अपने देश आते हैं अपने देश की धरती को चूमते हैं किस करते हैं और फिर अपनी मोम को अपनी फैमिली से मिलते हैं और बहुत जल्दी शादी भी हो जाती है उनकी लुई का जो सपना था लुई से हमने ये चीज़ देखा कि लुई की जिंदगी थी उसमें लुई ने कभी भी हार नहीं माना और ज़िंदगी के हर एक चीज़ को फाइट किया लुई का जो सपना था कि वो ओलंपिक रेस में पार्टिसिपेट करे उस सपने को वो कंटिन्यूसली 1940 का तो ओलंपिक रद्द हो गया था लेकिन लुई ने अपने उस सपने को पूरा भी किया 1980 में वो 1980 के ओलंपिक में दौड़े जिससे कि उनका ओलंपिक में दौड़ने का सपना भी पूरा हो गया और हम यहाँ पे देखते हैं कि लुई वापस जाने के बाद उन सारे लोगों के पास जाते हैं जापान में जिन्होंने उनको परेशान किया था और वो उनसे उनसे संधि करना चाहते हैं उनसे शांति स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि आपको याद होगा जब लुई फंसे हुए थे तूफान पे जब उनके पास कोई भी चीज़ें नहीं थी तब लुई ने यह कहा था कि अगर वो बच जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी शांति में ईश्वर को समर्पित कर देंगे और लुई ने ऐसा ही किया उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे मन और तन से ईश्वर को समर्पित की है ये एक सच्ची कहानी है और ये है लुई जैम्परिनी रियल लुइजप्रेरी जिन्होंने अपनी एक ज़िंदगी पे हमें हम सबको एक सबक सिखाया उन्होंने ये बताया कि तकलीफें कितनी भी होंगी ज़िंदगी में कई बार बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ आती हैं और जो इस मूवी की बेस्ट लाइन है कि दर्द की एक पल की कीमत भी जिंदगी भर की महिमा होती है अगर आप एक पल के दर्द को कई बार हम हमें लगता है हम हार मान जाते हैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लेकिन अगर ज़िंदगी में आप उस चीज़ों को सह सकते हैं तभी आप बच सकते हैं तो ये थी पूरी कहानी अनब्रोकन की और आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए हालांकि ये मूवी सीक्वेंस पे बनी हुई है अलग अलग टाइम पे बनी है हमने आपको एक ही सीक्वेंस पे ये मूवी बताई है बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी स्पेशल स्टोरी रिकमेंडेशन प्लीज़ राइट इज ऑन कमेंट थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज़ वी नीड मोर सब्सक्राइबर फॉर दिस चैनल थैंक यू